दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ये लोन के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। आधार पैन के बेस पे लोन देने वाली एप्लीकेशन है। जानेंगे डिटेल्स में कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है, कितने का ये लोन हमें मिला है, इसका प्रूफ भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें, आपको यहाँ पर ईएमआई इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको लोन रिपेमेंट करना होगा। सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं। अगर आप घर बैठे लोन लेना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करिएगा, ट्राई करिएगा। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना ही चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे सिविल स्कोर क्या होनी चाहिए। दोस्तों बाय द वे अगर आपकी सिविल स्कोर 600 या फिर 600 से ऊपर है तो ऐसे में आप इस एप्लीकेशन की तरफ ट्राई कर सकते हैं, या फिर सिविल स्कोर आपकी -1 में है तो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। सिविल स्कोर को आप अच्छे खासे बिल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। अगर एक बार आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है तो इसे आपको समय पर लोन को भुगतान करना होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लो सिविल के ऊपर ही आपको लोन प्रोवाइड कराई जाती है। वाकई में लो सिविल के ऊपर आपको लोन मिलता है, इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलती है, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ दोस्तों लोन प्रोवाइड कराई जाती है। आप किसी भी चीज के लिए लोन ले सकते हैं सिविल स्कोर को बूस्ट करने के लिए। पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, किसी भी चीजों के लिए आप ऑनलाइन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दीजिए, पूरे भारत में दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन काम करने वाली है 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो आपको ये भी बता दें, इंस्टेंट लोन आपको यहाँ पर मिलता है मिनिमम 200 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का लोन, वो भी लो इंटरेस्ट के साथ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीटली डिजिटली प्रोसेस किए जाते हैं, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई फिजिकल प्रोसेस कराने की जरूरत है। घर बैठे आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लोन लेना नहीं लेना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं, सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों कैटेगरी में वैसे ही एप्लीकेशन ये काम करेगी। यहाँ पर उम्र आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 65 साल के बीच, और आपके पास एक बैंक अकाउंट एक्टिव होनी चाहिए जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको यहाँ पर दोस्तों कंपलसरी है, जो कि आपको देना ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो सालाना यहाँ पर 36% चार्ज करने वाली है। प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पर चार्ज करती है लगभग 15%, ठीक है। अगर ऐसे में आप लेट रीपेमेंट करते हैं, लोन ले लेते हैं, तो 0.4% के हिसाब से चार्ज करती है आपके लोन अमाउंट से, प्लस 18% जीएसटी के साथ। मिनिमम आपको लोन टर्म मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए मिनिमम 61 दिन, और मैक्सिमम भी आपको 61 दिन, यानी लगभग 2 महीनों का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, सिविल स्कोर बिल्ड करने के लिए एक जबरदस्त एप्लीकेशन ये आपके लिए हो सकता है। आधार पैन के बेस पे आप यहाँ पर इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाता है अप्रूवल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प दोस्तों ले सकते हैं। खैर ये बात की बात है, मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा था लोनी एप्लीकेशन के बारे में। लगभग लगभग सभी को पता होगा एक RBI रजिस्टर्ड अप्रूव एप्लीकेशन है, एक NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। बाय द वे अगर आपकी यहाँ पर सिविल स्कोर बूस्ट हो रही है तो डेफिनेटली आपकी सिविल रिपोर्ट भी करी जाएगी, सिविल के ऊपर ही आपको लोन भी मिलेगा। रेटिंग यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 3.7 के साथ एप्लीकेशन रेट करी, और राइट साइड में देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया गया है। अब लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। काफी लोगों के सवाल भी होते हैं, भाई आधार पैन के बेस पे हमें कौन सा एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है, और वो भी हम EMI इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन को भर सकते हैं। तो वैसे में आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। चलिए इस एप्लीकेशन का हम प्रूफ भी दे लेते हैं कि मुझे यहाँ पर कितने का लोन मिला है और पर मंथ मुझे यहाँ पर कितनी EMI इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों मैं फिलहाल ब्राउजर के जरिए से यहाँ पर अकाउंट को लॉगिन कर रखा है। ऊपर में मेरे नाम से आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट। यहाँ पर 200 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 2 महीनों का समय लगभग आपको यहाँ पर मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। मैंने एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराई जाती है। सिविल स्कोर बिल्ड यहाँ पर डेफिनेटली आप कर सकते हैं।
जिन्हें लोन नहीं मिला है इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा सकते हैं। एक RBI रजिस्टर्ड अप्रूव एप्लीकेशन के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड जो कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही संचालित की गई है, यानी एक देखा जाए तो एक रजिस्टर्ड फॉर्म ही है। भविष्य में लोन लेते हैं तो समय पर लोन चुकता करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपकी सिविल रिपोर्ट भी करी जाएगी और सिविल आपकी डाउन भी हो जाएगी। ऑन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे और ऐसा आपको लगता है कि हम ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भाई आपकी सिविल डेफिनेटली यहाँ पर डाउन होने वाली है, खराब इंपैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी, भविष्य में लोन लेने में आप ही को दिक्कत होने वाली है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा किस NBFC के तहत ये दोस्तों ये लोन प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर हम अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक एक्टिव अकाउंट, 3,000 रुपये का लोन यहाँ पर अप्लाई करके मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, 61 दिन यानी लगभग 2 महीनों के लिए समय हमें मिला है लोन भुगतान करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं लोन के लिए अप्लाई किया गया था 8/6/2022 को, ठीक है, और उसी दिन हमारे बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफर हो चुके थे। हमें पर मंथ जो भी EMI अमाउंट पेमेंट करने होते हैं 1,568 रुपये, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 8 जुलाई को लगभग ड्यू डेट है और 8 दिन के बाद हमें लोन को ये पहली EMI पेमेंट करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहते तो फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्टीशन के रूप में या फिर EMI इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन को भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, एक अच्छा खासा सुविधा मिल जाता है कि आप इससे अमाउंट को तोड़ तोड़ के भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी इजी इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये है लोनी एप्लीकेशन, लगभग बहुत लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। तो 3,000 रुपये का लोन लेकर मैंने आपको दिखाया था आखिरी टाइम। अगर आप इस एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लें, सारे प्रोसेस मैंने एप्लीकेशन के जरिए से लोन लेकर तक दिखाया है, क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह से KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कितने देर में आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं, सब कुछ मैंने लाइव क्लियर किया है एक ही वीडियो में। तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि आधार पैन के बेस पे लोन देने वाली एप्लीकेशन है ये, कोई भी इनकम प्रूफ का कोई चक्कर नहीं होगी इस एप्लीकेशन के अंदर में। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, सिविल स्कोर को बिल्ड करना चाहते हैं, बाय द वे आपकी सिविल स्कोर लो हो चुकी है, यहां से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ऑन टाइम पेमेंट करके, अगर आपको यहां पर लोन मिलता है तो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। दोस्तों इसी तरह के एप्लीकेशन और भी हैं जिसके मदद से सिर्फ आधार पैन के बेस पे ही लोन ले सकते हैं और उसे आप इजी इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन भर सकते हैं। वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, टॉप 10 एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो भी आधार पैन के बेस पे ही आप बड़े आसानी से लोन ले सकते हैं और आप उसे इजी इंस्टॉलमेंट के रूप में लोन भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।